नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स। आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे कि बच्चों को अपने घर की साफ सफाई में अच्छी आदत कैसे डालें। आजकल बड़े हो या छोटे शहर हो, साफ और शुद्ध हवा मिल पाना मुश्किल होता जा रहा है। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। हम सांस लेते हुए उसके साथ खतरनाक रसायनों को भी अपने भीतर लेते हैं, जिससे कारण हमें कई तरह की समस्याएं घेर लेती है, जैसे कफ, एलर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, श्वास संबंधी समस्या, साइनस, सिर दर्द जैसे कई तरह की समस्याओं से आज हम सभी जूझ रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि हमारे यहाँ आसपास का बाहरी वातावरण ही नहीं, हमारे घर का भीतरी वातावरण भी पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में है। धरती का प्रदूषण सही करना भले ही हमारे बस की बात ना हो, लेकिन घर के अंदर का प्रदूषण तो हम कुछ हद तक कम कर ही सकते हैं। घर में डोर टू डोर कारपेट लगाने से बचें। घर में कारपेट का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना ज़्यादा भारी कारपेट होगा, उतना ही उसमें धूल मिट्टी और बैक्टीरिया जमा होने की आशंका बढ़ जाएगी। इसलिए कारपेट के स्थान पर घर में चटाई या जल्दी धुलने वाली दरियों का इस्तेमाल करें, जिनकी साफ सफाई जल्दी और आसानी से की जा सकती है। घर की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लीनर या डिटर्जेंट घर के वातावरण को प्रदूषित करते हैं। घर की साफ सफाई के दौरान जरूरी नहीं है कि केमिकल युक्त स्प्रे का ही इस्तेमाल किया जाए। क्लीनर का इस्तेमाल ना करके यदि घर के कुछ कमरे सादे पानी का भी इस्तेमाल करें तो घर को और अधिक अच्छी तरीके से चमकाया जा सकता है। यदि घर के कुछ कमरे लंबे समय तक बंद रखे जाते हैं तो ऐसे में वहां के एयर कंडीशन या कूलर की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। घर हो या ऑफिस, धूम्रपान ना करें। घर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हवा शुद्ध हो सके। इस तरह से छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम अपने घर में साफ सफाई रख सकते हैं और बच्चों में भी इसकी आदतों का विकास कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और